अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जिस प्रकार की नीति का पालन करता है वह नीति सामान्य तौर पर विदेश नीति कहलाती है। बहुत साधारण सी स्थिति है कि हम देखते हैं कि जैसे हमारा देश भारत अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस या भारत का कोई पड़ोसी देश, इन देशों के साथ जिस प्रकार से अपने संबंधों का निर्धारण करेगा, जिस प्रकार से अपनी पॉलिसी का निर्धारण करेगा, वह स्थिति विदेश नीति की स्थिति कहलाई जाएगी। सामान्य तौर पर हम भारत की विदेश नीति की बात कर रहे हैं। जब हम भारत की विदेश नीति की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि भारत लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का उपनिवेश रहा था और उस उपनिवेशवाद का शिकार रहने के बाद जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद भारत के सामने ये प्रमुख ध्येय उपस्थित रहा कि किस तरीके से भारत की विदेश नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस स्थिति को ध्यान में रखकर भारत की विदेश नीति निर्धारित की गई और समय समय पर जो नए आयाम इस नीति के साथ संबद्ध होते चले गए उन्होंने भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो हम देखते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उस भारत की विदेश नीति की आखिर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो भारत की विदेश नीति की विशेषताओं के तौर पर हम सबसे पहले देखते हैं, वह स्थिति हमारे सामने आती है गुटनिरपेक्षता की नीति। सामान्य तौर पर जैसा कि अपने शब्द ध्वनि से ही स्पष्ट होता है, गुटनिरपेक्षता यानी कि गुटों से निरपेक्ष रहना, यानी कि किन गुटों से निरपेक्ष रहना, तो इसके लिए हम समझने का प्रयास करते हैं और ये पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में एक इस प्रकार की स्थिति सभी के सामने आई जिसमें केवल दो गुट रह गए, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों ही गुटों में अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए और अपने अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष की स्थिति विद्यमान रहने लगी। इस संघर्ष की स्थिति ने इन दो गुटों को जन्म दिया और इन दो गुटों के साथ दुनिया के बहुत अधिक देश संबद्ध होते हुए चले गए, यानी कि जुड़ते हुए चले गए। तो जब दुनिया के बहुत सारे देश इन दोनों देशों के साथ जुड़ते हुए चले गए तो कुछ इस प्रकार के देश भी थे जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में नव स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर देखे जा रहे थे, यानी कि जिन्होंने अभी अभी अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया था और ये अपने स्वरूप को स्वतंत्र ही रखना चाहते थे। तो इन देशों ने अपने आप को गुटों से निरपेक्ष रखना महत्वपूर्ण समझा। भारत भी इन देशों में से महत्वपूर्ण देश के तौर पर देखा जाता रहा है और भारत ने गुट निरपेक्षता की पॉलिसी का अनुसरण किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उस भारत की विदेश नीति की एक विशेषता गुट निरपेक्षता की नीति भी होती है। गुट निरपेक्षता की नीति इस आधार पर क्योंकि भारत ने ही गुट निरपेक्षता की नीति के आधार को निर्धारित किया था और भारत ने जब गुट निरपेक्षता की नीति के आधार को निर्धारित किया था तो इसके पीछे भारत का यही उद्देश्य था कि जो देश अभी अभी अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाले हैं उन देशों के व्यापारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैदेशिक, राजनीतिक एवं विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों का हित किस प्रकार से होगा,
ये महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति की एक और विशेषता के तौर पर अगर हम बात करें तो वह होती है शांति की विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की विदेश नीति का यह एक रिकॉर्ड रहा है, या भारत का यह रिकॉर्ड रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कभी भी भारत के द्वारा युद्ध की पहल नहीं की गई, या कभी भी भारत के द्वारा इस प्रकार के विचारों को व्यक्त नहीं किया गया जिसके माध्यम से युद्ध की जैसी परिस्थितियां बनाई जाए। ये भी भारत की विदेश नीति की एक विशेषता होती है। इसी के साथ भारत की विदेश नीति की एक और विशेषता है, वह है मैत्री और सह अस्तित्व की नीति। तो भारत की विदेश नीति सभी देशों के साथ मित्रता स्थापित करने और सह अस्तित्व के आधार पर जीवन यापन निर्धारित करने के तौर पर बल देने वाली रही है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति विरोधी गुटों के बीच में सेतुबंध बनाने की विदेश नीति के तौर पर भी देखी जाती है, यानी कि यह भी भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के तौर पर देखी जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उसने हमेशा दुनिया के जो दूसरे देश हैं उन दूसरे देशों के साथ में एक सेतुबंध बनाने का प्रयास किया है, यानी कि जब जब अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में, यानी कि जब जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है कि वहां पर अशांति जन्म लेने वाली है, तब वहां पर विरोधी गुटों के बीच में जाकर के भारत ने एक सेतुबंध बनाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साधनों की पवित्रता की नीति भी भारत की विदेश नीति की एक विशेषता होती है। यह भारत की विदेश नीति की विशेषता इस आधार पर भी होती है कि भारत ने हमेशा साधनों की पवित्रता पर बल दिया है और उचित प्रकार के साधनों को अपनाने पर बल दिया है। इसके साथ ही भारत ने जैन दर्शन को आधार देने वाले पंचशील के सिद्धांतों को अपने विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान दिया है और विदेश नीति का आधार बनाया है। तो यह भी भारत की विदेश नीति की एक विशेषता है। भारत की विदेश नीति की एक विशेषता साम्राज्यवाद का विरोध करने वाली भी रही है, यानी कि जो साम्राज्यवाद है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है उस साम्राज्यवाद का व्यापक पैमाने पर विरोध किया जाए, और साथ ही यूएनओ का समर्थन करने वाली विदेश नीति के तौर पर भी भारत की विदेश नीति देखी जाती है।